लाहौर की मशहूर जो बट कढ़ाई है लक्ष्मी चौक वाली असल वाली उसके ये ऑनर हैं। तो भाई लाइन का शौक बस आपको देख देख के भी, और उसके अलावा वैसे भी बचपन से शौक था मुझे कि लाइन होना चाहिए। इतना को जाना मैं शेर संभाल सकता हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं आपको दे सकता कि भाई मैं इसको संभाल लूंगा। मुझे लगता है कि इसको पता चल गया कि मेरे बच्चों को लेने आए हैं, इस वजह से ये थोड़ा उदास लग रहा है मुझे। ये शायद हमें मना कर रहा है कि मेरे बच्चों को ना लेके जाओ। ये देखें, ये माशाल्लाह से बच्चे हैं, और ये फीमेल, ये देखें हुई। मुस्तफा भाई आपने सबसे पहला हाथ आपने खुद लगाना है। चले जाओ, हाँ अंदर चले जाएं। वो शेरनी एक मिनट बंद है, तसली गल नहीं चाहिए भाई। तो सबसे पहला हाथ भाई आपने खुद लगाना है शेरों को। ठीक हो गया। यहाँ पे माँ भाई जाके तड़प रही है, और मुझे आप सब लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम तो अच्छी केयर के लिए ही लैदा करते हैं, लेकिन माँ तड़पती है, मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अब करना तो पड़ता ही है फिर, अगर टेम करना तो। ये वाला, हाँ मुझे भी ऊपर से मैं देख रहा था, इसकी हेल्थ सबसे अच्छी लगी मुझे, अंदर भी यही नजर अच्छा लगा था। हमने चार शेरनी ने इसने बच्चे दिए हुए थे, अब हमने लैदा कर लिए। ये देखें शेरनी जो है ना बेचारी, मुझे दुख तो हो रहा है उसको देख के शेरनी को, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमने इनकी अच्छे से केयर करनी है। वो देखें वो बेचारी साथ साथ आ रही है और देख रही है कि कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नुमान हसन अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुका हूँ, और आज जो है ना मेरे साथ बड़े प्यारे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और उनको आज मैंने उनको लाइन कब देना है, और वहीं वहीं आप मेरे पास, और अब मैं उनसे मिलवाता हूँ। ये मुस्तफा भाई हैं जी। मुस्तफा भाई क्या हाल है? ठीक ठाक लगा आपसे ने। ये भाई जो है ना ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो इनको मैंने आज लाइन कप देना है, और बल्कि बड़े लोग तो जानते होंगे इनको, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ, लाहौर की मशहूर जो बट कढ़ाई है लक्ष्मी चौक वाली असल वाली उसके ये ऑनर हैं। तो मैंने कहा चले जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं, वैसे तो इनको बड़े लोग जानते हैं। तो मुस्तफा भाई शेर का शौक कैसे चढ़ गया आपको? भाई लाइन का शौक बस आपको देख देख के भी, और उसके अलावा वैसे भी बचपन से शौक था मुझे कि लाइन होना चाहिए। ये चीज़ ही ऐसी है भाई, ये चीज़ ही कि बहुत अट्रैक्ट करती है, मतलब बंदे को ना अपना शौक देख देख के ना मज़ा आता है। तो बिल्कुल आप जाते हैं भाई, आपको देखते हैं आपको कौन सा शेर पसंद आता है, जो सा आपको पसंद आएगा आपने अपनी मर्जी से वो शेर ले लेना। ठीक है ना? ठीक हो गया। तो आगे जाने से पहले मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें कितनी प्यारी डक्स हैं ये फेर रही हैं, ये देखें, और यहाँ पे ये ब्लैक स्वाम, ये देखें जी ये कितने खूबसूरत हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि ये जो है ना आपने बड़े इंटरनेट पे देखते होंगे कि दो जो डक्स हैं वो हट बना के खड़ी होती हैं, तो बैठी होती हैं मतलब पानी में, तो ये वो वाली हैं, ये ऐसे ये बड़े प्यारा जो है ना वो हट बना लेती हैं। तो अभी मेरे पास तो कब कोई अवेलेबल नहीं था, जो मेरी अपनी ब्रीड आई हो या मेरी अपनी शेरनी ने कोई बच्चा दिया हो, तो मेरे पास अभी कोई भी कप अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं दे देता होता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ लाइन कप्स। टाइगर कप्स मैं हमेशा पालता हूँ, लाइन कप्स मैं दे देता होता हूँ, लाइन कप मैं बिल्कुल भी नहीं रखता क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है लाइन कप रखने का, मुझे टाइगर रखने का ज़्यादा शौक़ है। तो अब वो कह रहे थे कि लाइन कप मुझे दो, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं अभी एक दोस्त की लोकेशन पर आया हूँ, दोस्त का फार्म हाउस है प्राइवेट, और उसके बाद ब्रीड आई थी, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार मेरे बड़े प्यारे भाई हैं इनको मैंने लाइन कप देना है, तो आप वाले फार्म से मैं उठा के इनको दे दूंगा। तो ये देखें मैं यहाँ पे आया हूँ, तो लोकेशन माशाल्लाह चेक करें कितनी प्यारी है, और कितनी बड़ी लोकेशन है, ये काफ़ी बड़ी जगह पर है ये जगह, और मैं इधर दिखाता हूँ, इधर काफ़ी ज़्यादा जानवर है। सबसे आपकी पहले मुलाकात करूँगा, फिर इनको एंड में शेर के पास लेके जाऊँगा, और जोन सा इनको पसंद आएगा, जोन सा ये इनकी तसल्ली होगी वो वाला मैं इनको अभी दे दूँगा, और ये अपना घर जा के शौक पूरा करेंगे। तो बाकी जानवर पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर दिखाता हूँ क्या माहौल है, उसके बाद फिर लाइन्स के पास चलते हैं। ये देखें मुस्तफा भाई, यहाँ पर भी झील है, इसमें भी ब्लैक स्वान अभी नज़र आया था, लेकिन वो चला गया मेरे ख्याल से, आगे चला गया हुआ। इधर हमारा प्लान है वैसे ना, मुझे उन्होंने डिस्कस किया था, कहते हैं इधर हमने क्रोकोडाइल छोड़ना है, दो तीन जो है ना बड़े क्रोकोडाइल यहाँ पे छोड़ने हैं, क्योंकि माहौल पूरा बना हुआ है इधर का बिल्कुल क्रोकोडाइल्स का, तो अगर इधर क्रोकोडाइल वो छोड़ेंगे तो इधर उनको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल सारा देख रहे हैं ना, जू में भी आप जाते हैं तो ऐसे ही माहौल होता है क्रोकोडाइल्स के लिए भी, बिल्कुल इन्वायरमेंट भी व्यू भी सारा वैसे ही बना हुआ है, सारा उसी तरह बना हुआ है, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा क्रोकोडाइल का, रख लेना चाहिए वैसे। बिल्कुल भाई, नहीं मैं उनको कहता हूँ कि भाई छोड़ें इसमें क्रोकोडाइल। तो यार यहाँ पे हैं, ये देखें मंकी है कितना प्यारा, मुझे लग रहा है बड़ा शरारती है, इधर आवे इधर आ, ओए ये वाकई बड़ा शरारती लग रहा है, करो जरा हाथ आगे भाई करो हाथ को ऐसे छेड़ो जरा, ओए 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 ये क्या कर रहा है, बड़ा तेज है,
कुत्ते कितना तेज है यार ये बड़ा तेज है ये बड़े तेज होते हैं यार इनसे पंगा हमेशा। बल्कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, कभी भी बंदर से, बेशक वो कहीं पे भी हो, जंगल में हो या जू में हो या कहीं भी हो, बंदर से पंगा कभी नहीं लेना। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बड़े, इनमें जान भी बहुत ज़्यादा होती है, ये शरारती भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ख़तरनाक तो होते ही होते हैं। देखने में बड़े क्यूट लगते हैं लेकिन इनसे आपने बच के रहना, पंगा कभी नहीं लेना मंकी से। तो यहाँ पे जी मंकी के बाद आपको मैं इधर बुलवाता हूँ, इसको कहते हैं ब्लू बुल, उर्दू में कहते हैं नील गाय। तो ये नील गाय का भी बच्चा है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे बैठा खड़ा हुआ, सॉरी, हमें मुझे देख रहा है और देख रहा है कि जी नया बंदा आया यहाँ पे और फुल घबराया हुआ है, फुल एक्टिव है। और यहाँ पे भी देखें ये कितने प्यारे हैं, ये क्यूट हैं। और उधर भी इनके बच्चे भी हैं और बड़े भी बैठे हुए हैं पीछे छुप के, वो मेल है पीछे और ये फीमेल्स हैं और ये शायद बच्चा है इसका। यहाँ पे जी ये हैं फैलो डियर, ये देखें, ये भी मुझे लगता टेम है, नहीं टेम नहीं है, जो टेम होता है वो ऐसे नहीं सर नहीं आगे करता अपना। ये देखें सिंह इसके बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये सिंह मार के बंदे का बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। और वो साथ इसकी फ़ीमेल है और मेरे ख्याल से ये प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है फीमेल ये वाली। तो अब चलें फिर शेरों के पास, ठीक है, मिलवाता हूँ आपको टाइगर से, पहले मिलवाता हूँ फिर उन शेरों से मिलवाऊंगा जो मैंने आपको लाइन कप्स देने हैं, उसकी माँ से भी मिलवाऊंगा, आपने अपनी उनकी माँ भी देखनी है और फिर कप्स भी देखने हैं। और चलते हैं जी फिर, ये देखें ये दोबारा इसके पास आ गए हम और भाई थोड़ा सा इसको तंग कर रहे हैं। भाई इजी ना लेना, ये बड़े तेज़ होते हैं, ये देखें इसके मुंह से पता चल रहा है कि कितना तेज़ है। तेरी देखा, ये अभी इसने मेरा हाथ पे टच किया, बचत हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुंह से पता चलता है कि कितने ये तेज़ है, ये देखें हर टाइम त्यार है ये। इधर आ, चल इधर आ, ओए होए 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 होए, देखा है, चलो यार तंग ना करें, अभी बाहर ना आ जाए, उसने बाहर आ गया ना, ये शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाना। मैं शेर संभाल सकता हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं आपको दे सकता कि भाई मैं इसको संभाल लूँगा। यहाँ पे ये बंगाल टाइगर बैठा हुआ है, ये भैया आपको कैसा लगता है बंगाल टाइगर? भाई ये भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी आपने फर्स्ट टाइम शो करना ना, तो आपको टाइगर का भी मैं मशवरा दूंगा कि टाइगर ना बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अभी जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम रखना हो ना, उसको मैं हमेशा कहता हूँ यार ब्राउन लाइन ही रखो, टाइगर में अभी ना करो, क्योंकि थोड़े एक्टिव भी होते हैं, तंग करते हैं ये, तो इसलिए लाइन जो है ना ये थोड़ा ईजी है रखने के लिए। ठीक हो गया, तो ये बैठा हुआ है बड़े सुकून से। तो आगे इसकी जो है ना फीमेल्स हैं, ये देखें ये फीमेल्स, एक किधर है, ये तो दो थी, ओए ये टेम है, ये तो टेम लग रही है मुझे, ये सूंघी है ना जिस तरह मुझे, ओए खानी नहीं है मेरी उंगली है, ये वाइल्ड है, मैं उंगली डाल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ कि ये हीट पे है। दूसरी फीमेल वो देखें, वो है ना, ये अब करीब नहीं आएगी और ये अगर आ भी गई तो गुस्सा करेगी। इधरा ये देखें, अभी इसके पता चल गया कि ये गुस्से में है, ये नहीं इतना करीब आ रही, देखें ये ज़्यादा करीब है, वो इतना करीब आते हुए डर रही है, मतलब वो कर रही है थोड़ा हिचकिचा रही है ये, और ये इजीली आ रही है करीब। तो भाई वाइट टाइगर आपको कैसे लगे हैं? बहुत ज़बरदस्त भाई, वाइट टाइगर की अपनी ग्रेस है, वाइट टाइगर इस फील्ड में लाइन टाइगर्स में एंड लेवल है, इससे ऊपर मजे की चीज़ कोई भी नहीं है। तो मुझे खुद बड़े पसंद है, अगर ये टेम होते तो आपको मैं इनके अंदर भी लेके जाता, लेकिन ये वाइल्ड है, ये बंदे को भी खा सकते हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं आपको लेके जा सकता भाई। ये जो है ना ब्राउन लाइंस हैं जो कि आपको बड़े पसंद है, बिल्कुल। और ये देखें ये बैठा हुआ है, एक ब्राउन लाइन ये है, ये देखें कितना खूबसूरत है, ये फीमेल इसके साथ बैठी है शिकार के लिए, तैयार बैठी हुई है हम पे अटैक करने के लिए, ये देख रहे हैं, ओए ओए ओए, देखा मैंने आपको क्या कहा था, मैं कहा ये शिकार के लिए जो है ना तैयार बैठी हुई है, ये हमारे पे पूरा फोकस किया हुआ था इसने और हमला करने के लिए बैठी हुई थी भाई। ये ओए आपको भी, आप पे भी ये जो है ना पूरी अटैक की तैयारी में है, जाए ज़रा पास देखना, ये गुस्सा करती है अभी देखा अग्रेसिव शेर जो है ना ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। और जो टेम होते हैं वो तो आपने देखे हैं कि मेरा, जैसे आप रोकी से मिले थे वो तो इजी था, जो अग्रेसिव शेर है वो इस तरह बिहेव करते हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, देखा आपने अग्रेसिव शेर की निशानी, बस यार गुस्सा नहीं करना, अब दूसरे के पास चलते हैं, ये देखें रोर कर रहा है ये शेर, लेटा हुआ है और रोर कर रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा।
ये मुझे लगता है कि इसको पता चल गया कि मेरे बच्चों को लेने आए हैं, इस वजह से ये थोड़ा उदास लग रहा है मुझे। ये शायद हमें मना कर रहा है कि मेरे बच्चों को ना लेके जाओ। ये देखें, ये हो सकता है जो लॉजिक इसके बोलने की तरह कि ये हमें मना कर रहा हो कि मेरे बच्चों को ना लेके जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन अब क्या करें, इनके साथ पालेंगे तो अग्रेसिव हो जाएंगे, इसलिए हमें अलहदा करना भी मजबूरी है। वो देखें, वो बोल रहे हैं अभी भी। पता है भैया, आपको बड़ी जल्दी है उनके पास जाने की आपसे, मुझे पता इंतज़ार नहीं हो रहा, लेकिन पहले मैं आपको सारे दिखा दूँ ना, मिलवा दूँ। ये देखें, यहाँ पे भी ये फीमेल है, इसने भी कुछ दिन पहले बच्चे दिए थे। इसकी भी नज़रें देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अभी आएगी ऊपर, ये देख रहे हैं आप ये नज़रों से। मैं आपको पता है, मैं बता देता हूँ कि इसने कुछ हरकत करनी है। इसकी नज़रें जैसी थी, मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी नज़रों से पता चल रहा है कि अभी ऊपर आएगी ये। तो शेर की हमेशा, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि शेर की हमेशा नज़रों से जज किया जाता है कि शेर का मूड क्या है। तो अगर उसने अटैक करना है, वो भी उसकी आंखों से पता चल जाएगा। अगर वो इजी बैठा हुआ है, तो वो भी इसकी आंखों से पता चल जाएगा कि शेर अभी इजी बैठा हुआ है। तो इसकी नज़रों को मैंने देख के आपको पहले बता दिया था, ये अभी ऊपर आएगी। अब आपको इंतज़ार जो है ना, मेरे ख्याल से ख़त्म करवा देना चाहिए। और वो देखें, वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, हाँ जी भाई, वहाँ से तो नज़र आ रहे हैं। मैं अभी आपको क्लोज भी दिखाऊँगा और अंदर भी लेके जाऊँगा इनके पास। तो ये जी, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये जी इसने ब्रीड की हुई है, ये माशाल्लाह से बच्चे हैं। और ये फीमेल, ये देखें, ब्रीड की हुई अभी भाई डर गए थे ये बड़ा ख़तरनाक काम है भाई, माँ से बच्चे लैदा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ बात ही होती है कि यार मदर से लैदा करके ले आए, लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन होता है। और अभी हमने उस मिशन से गुजरना है। अभी तो समझ लगे, हमने आके सिर्फ देखे हैं ना, बिल्कुल। अब जब ये माँ से लैदा करने होंगे तो फिर हमें पता चलेगा। तो धोखे से बंद कर दिया हुआ है फीमेल को, उसको गोश्त डाला है और उसको धोखे से हमने बंद कर दिया है। अब ये बाहर आ गई है, अब यहाँ से हम बच्चे उठा लेंगे। ये जी, अब हम अंदर जाने लगे हैं और मुसफा भाई को अपने हाथ से, मुसफा भाई आपने सबसे पहला हाथ आपने खुद लगाना है। चले जाओ, अंदर चले जाएँ, वो शेरनी एक मिनट बंद है तो सली गल नहीं चाहिए भाई। तो सबसे पहला हाथ भाई आपने खुद लगाना है शेरों को, ठीक हो गया। बस तुम्हारा भी आपको जो सा बेहतर लगता है वो खुद ही भाई, आप अपनी मर्जी से। ये देखें, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक ये बच्चा पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, एक ये है और एक ये है, ये डरा हुआ है। क्या हुआ बच्चे, हम तो प्यार करते हैं यार, नुकसान पहुँचाने थोड़ी हैं, डरा हुआ है ये तो। और यहाँ पर माँ भाई जाके तड़प रही है, और मुझे आप सब लोगों ने कमेंट में बताना है कि ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम तो अच्छी केयर के लिए लैदा करते हैं, लेकिन माँ तड़पती है, मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अब करना तो पड़ता ही है फिर, अगर टेम करना तो मुसफा भाई, बल्कि ऐसा करते हैं भाई, चारों बाहर निकालते हैं, ठीक हो गया, जोन सा आपको पसंद हुआ हो गया भाई, आप वो कर लेना, ये बेटर ऑप्शन है। हाँ, तो इसको निकालें फिर भाई। जी भाई निकालें, आप अपने हाथ से उठाएंगे। चले भाई, आप उठा लें ज़रा, चलो ले आओ बच्चे बाहर, आ जाओ भाई, हम बाहर चलते हैं। ये बाहर आ गए हैं और ये बच्चे भाई ला के भाई इधर रख दें, इधर रख दें, ताकि माँ जो है ना आखिरी बार अपने बच्चों को देख ले। वैसे तो मैंने सारे ही लेके जाने हैं घर पे, इनको हैंड फीड करवानी है, मदर फीड तो इन्होंने प्रॉपर कर ली हुई है। ये देखें कितने हेल्दी बच्चे हैं, इन्होंने मदर फीड कर ली हुई है, अब मैंने इनको हैंड फीड करवानी है, इसलिए मैं सारे घर लेके जाऊँगा। इसलिए मैं माँ के करीब रखा है कि माँ इनको आखिरी बार देख ले और तसल्ली से आँखें भर के देख ले, उसके बाद, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ तो शायद नज़र ना आए, अगर नज़र भी आए इसको अपने बच्चे तो बड़े दिन बाद नज़र आएंगे। कौन सा बच्चा पसंद है उठाएं अपनी मर्ज़ी से, पहले चेक कर लें कौन सा आपको खूबसूरत लग रहा है भाई। मुझे ज़रा ये वाला अच्छा, हाँ मुझे भी ऊपर से मैं देख रहा था, इसकी हेल्थ सबसे अच्छी लग रही है मुझे, अंदर भी यही ना ज़रा अच्छा लगा था। हाँ तो भाई ये देखें, ये अब आप खुद देखें, मैंने आपको एक घर पर वाइट लाइन दिखाया था ना, जी जी, वो आपने देखा था, और इसमें काफ़ी फ़र्क है ना, ये मदर फीड वाले और हैंड फीड वाले बच्चे में ये फ़र्क होता है। तो अब पहली बार इसको किसी इंसान का हाथ लगा और अब आपका ही लगा है, अब आपने लेके जाना है और समझ लें कि आप ही इसने, आपने इसका ख्याल रखना है। डन हो गया, और चलो अच्छी बात है कि आपका ही हाथ लगा है इसको पहला, और ये सुकून से अब आपके साथ रहेगा पूरी ज़िंदगी। दिखाएं ज़रा, मान भी देखा, हाँ क्या हुआ, नाहुन लग गया पहले, नहीं वो अभी इसके ना इसके जो, हाँ मैं आपको भी बता रहा हूँ मुसफा भैया, आपको भी बता रहा हूँ, जब बच्चे माँ से, रख दो नीचे बेशक आप ईजी हो जाओ, जब बच्चे माँ से लैदा करते हैं ना तो इनके नेल्स जो है ना सुई से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो इसलिए जब घर लेके आओ तो इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। आपको मेरे बड़ी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं इनकी ट्रिमिंग कर रहा हूँ नेल्स की, तो अभी तो इनके बहुत शार्प नेल्स होंगे, मैं घर जाके इनके नेल्स काट दूँगा और फिर वो हाथों पे नेल्स नहीं लगेंगे। हमने चार शेरनी ने इसने बच्चे दिए हुए थे, अब हमने लैदा कर लिए, ये देखें
शेरनी जो है ना बेचारी, मुझे दुख तो हो रहा है उसको देख के शेरनी को, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमने इनकी अच्छे से केयर करनी है। वो देखें वो बेचारी साथ साथ आ रही है और देख रही है कि कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे। चलो भाई बाय बाय कह दो आखिरी बार अपने बच्चों को, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको आखिरी बार जो है ना बाय बाय कह दो, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी ये, एक दो दिन होगी डिस्टर्ब, लेकिन फिर ये अपने बच्चों को भूल जाएगी। ये यहाँ पे बंगाल टाइगर भी देख रहा है कि ये बच्चों को कहाँ पे लेके जाया जा रहा है। चलो भाई ये नए मेहमान थे हमारे फार्म पे छोटे कब्स, अब ये मेरे घर के मेहमान बनेंगे। एक तो इन्होंने लेके जाना है मुसवा भाई ने, बाकी तीन जो है मेरे घर पे होंगे। शान भाई यहाँ पे ला के रखें, भाई ने उस वक्त तो देखा था, आप ज़रा तसल्ली से देख लें कि भाई को कौन सा पसंद है, ताकि उनको जब सब इकट्ठे पड़े होंगे ना तसल्ली से, अब लाइट भी ठीक है यहाँ पर धूप है, अपनी मर्ज़ी से देख लेंगे उनको कौन सा लाइन का पसंद आता है। तो ये देखें अब ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे ग्राउंड में, आज पहली बार निकले हैं और देख रहे हैं कि आज अब निकल आए हैं और हमने अब यहाँ से जाना किधर और करना क्या है। तो मुसवा भाई देखें ऊपर से देखें ज़रा कौन सा पसंद है, फिर मैं भी आपको मशवरा देता हूँ कि इनमें सबसे अच्छा कौन सा वाला है। मेरे ख्याल से भाई ये प्यारा है ये वाला भाई, इसको डन करते हैं। ये देखें ये अभी इसको आदत नहीं है, इसको दूध पीने की आदत, अब इसको मैं इसको जो है ना अब आपने भी गोश्त खिलाना है, बाकी जो तीन मेरे पास हैं उनको भी मैं घर जाके गोश्त खिलाना होगा भाई। तो ये देखें ये बैठे हुए हैं अब सुकून से, तो भाई उठाएं अपना और फिर हम व्लॉग का भी एंड करते हैं। आपने जाना है केयर करनी है इसकी, उठा लें। ये जी मुसवा भाई ने अपना जो है ना लाइन कब डिसाइड कर लिया, कौन सा इनको पसंद था, जौन सा भी इनको पसंद था इन्होंने उठा लिया, और अब ये इसको प्यार से रखेंगे, अपना शौक पूरा करेंगे। और भाई बस मुझे बड़ा प्यार है जानवरों से, आपने भी इसी तरह प्यार करना है और मुझे अपडेट देती रहनी देते रहना साथ साथ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि अच्छी केयर हो रही है। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी केयर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया और मेरी जो YouTube फैमिली है उसको भी पता है कि मैं बड़ा पेट लवर हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ी फिक्र होती है किसी को मैं लाइन कप दे भी दूँ ना, तो मुझे बड़ा फिक्र होती है कि यार ये सही रखेंगे कि नहीं। लेकिन मुसवा भाई ने मेरे से वादा किया कि मैं बहुत अच्छा माहौल दूंगा, बड़ी अच्छी केयर करूँगा, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। अगर कोई जो केयर नहीं करता सही उसको मैं लाइन कप भी नहीं देता, क्योंकि इनको पूरा माहौल देना पड़ता है, इनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये अब लाइन कप लेके जाते हैं और मैं भी अपने घर लेके जाता हूँ इन तीन बच्चों को। और अब आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मैं बच्चों से भी दोबारा मिलवाऊंगा आपको, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात भी करूंगा। अल्लाह हाफिज़।